मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज का ब्लॉग जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, मतलब मैं स्टार्ट किया, मैंने पहले सोचा था कि मैं आज इवनिंग में कुछ देखूंगी तो बनाऊंगी, अदरवाइज फिर मुझे लगा कि नहीं थोड़ा बहुत तो शूट कर ही लेते हैं। तो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ, सुबह के बज रहे हैं 8:15 समथिंग टाइम हो रहा है एंड मैं ऑफिस के लिए रेडी हो चुकी हूँ और अभी मैं ब्रेकफास्ट वगैरह करूँगी देन ऑफिस के लिए निकलूँगी। तो चलो एक बार दिखा दूँगी आज मैं ब्रेकफास्ट में क्या खाने वाली हूँ। एंड ऑफिस में तो मुझे टाइम मुश्किल ही मिलता है, फिर भी थोड़ा बहुत अगर टाइम मिलेगा तो मैं कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा क्लिपिंग्स लूँगी, अदरवाइज फिर मैं शाम में आपसे मिलूँगी। सो गाइज, मेरे ब्रेकफास्ट में मैं यहाँ पे खा रही हूँ, मम्मी ने बनाई थी भिंडी की सब्ज़ी ली है मैंने। यहाँ पे मैंने लिया है पराठा, एक बाइट मैंने ले लिया था और यहाँ पर मम्मी ने चटनी बनाई हुई थी ग्रीन चिलीज और धनिए की, तो वो ली है। और साथ में मैंने ली है छाछ, मतलब मैं कभी कभी वीक में कोशिश करती हूँ कि एक दो बार मैं मॉर्निंग में छाछ पी के जाऊँ। तो ये है मेरा ब्रेकफास्ट। गाइस, नाउ आई एम लीविंग फॉर माय ऑफिस। अब मैं आप लोगों को मिलूंगी ऑफिस से आने के बाद में, या फिर अगर मुझे ऑफिस में टाइम मिलेगा तो थोड़ा बहुत शूट। चलिए चलते। गुड इवनिंग एंड आई एम बैक एट होम फ्रॉम ऑफिस। तो मैं फाइनली ऑफिस से आ चुकी हूँ घर पे एंड आके मैं जस्ट बैठी थी एंड सेटल डाउन फाइनली। सो यस गाइज, अभी मैं आके बैठी थी एंड मैंने सोचा ब्लॉग को स्टार्ट कर लेते हैं। तो अभी टाइम हो रहा है 7:15, मतलब मैं आ जाती हूँ 6:30 बजे तक मैं आ जाती हूँ, बट चेंज वेंज करती हूँ फिर फ्रेशन अप होती हूँ एंड रोज़ाना की मेरी प्रथा। राइट नाउ आई एम वेटिंग फॉर माई चाय, अभी मैं चाय का वेट कर रही हूँ। आज थोड़ा सा सर में भी हल्का हल्का दर्द सा है, दो मैंने आज ऑफिस में भी मंगा के पी थी चाय, बट फिर भी मम्मी के हाथ की चाय की बात अलग होती है। तो अभी मैं चाय पीऊँगी, चाय के साथ थोड़ा कुछ खाऊँगी। मैं खाली चाय नहीं पीती हूँ गाइस, क्योंकि खाली चाय कोई भी ना पिए, मतलब जो भी चाय लवर्स हैं, वैसे तो चाय सभी के लिए हानिकारक होती है बट मैं नहीं छोड़ सकती गाइस, मतलब मुझे चाय चाहिए ही होती है। सो जो भी लोग चाय की, जिनको भी ज़्यादा क्रेविंग्स होती है, तो वो खाली चाय ना पिए, चाय थोड़ा बहुत खाएँ बट खाएँ उसके साथ में। तो अभी मेरी चाय आएगी, चाय पीऊँगी, फिर देखती हूँ कि आज कुछ क्या बनाती हूँ डिनर में, कुछ देखते हैं। सो गाइज, मीन वाइल चाय आती, मम्मी ने टेस्टी सी ये बनाई हुई है आलू भुजिया जो होती है ना, उसके अंदर प्याज टमाटर और धनिया वगैरह डाल के मम्मी ने कुछ रेडी किया हुआ है। तो अभी मैं ये भी खाऊंगी चाय के साथ में। और ये आ गई है चाय मेरे फेवरेट कप के अंदर। गाइज, मैंने अपनी सारी वेजिटेबल्स को कर लिया है कट। एज यू कैन सी, यहाँ पे मैंने ली हुई है रेड बेल पेपर, यहाँ पे मैंने ली हुई है ग्रीन बेल पेपर, यहाँ पे मैंने ली हुई है बीन्स, ठीक है, यहाँ पे मैंने टमेटोज कट किए हैं, यहाँ पे मैंने लिया हुआ है अनियन और यहाँ पे मैंने ली हुई है मेरी ऑल टाइम फेवरेट येलो बेल पेपर। तो चलो हम नेक्स्ट प्रोसेस बताती हूँ। और उसमें मैंने ऐड कर दिया है बटर, बटर हमारा ज़रा सा गर्म हुआ, नाउ वी विल ऐड, सबसे पहले बीन्स ऐड कर ली मैं, क्योंकि बीन्स थोड़ा सा टाइम लेती है। सो बीन्स गाइस मेरी अच्छे से सॉटे हो गई है, नाउ वी विल ऐड ग्रीन कैप्सिकम, रेड बेल पेपर, येलो बेल पेपर, मतलब जो भी हमारी बची हुई सब्जियां हैं टमाटर को छोड़ के, वो सब हम लोग ऐड करेंगे।
सो गाइज मीन वाइल ये कुक हो रही है तो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। जैसे कई बार होता है कि हमारा रात में कुछ खाने का मन नहीं होता है या कुछ हैवी डिनर हम लोग नहीं करना चाहते हैं, तो आप लोग डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हो। ये हेल्दी भी रहती है हर तरीके से और मतलब थोड़ा सा फुलफिलिंग भी होती है टमी के लिए, और आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि आपने कुछ खाया नहीं है और आपका डिनर भी हो जाएगा। तो मैं मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द टाइम अगर मैं मेरे शाम में कुछ भी हैवी खाने का मन नहीं है या डिनर का मन नहीं है तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं ये बनाऊँ। अब इसमें कुछ सीजनिंग्स ऐड कर देंगे। सबसे पहले मैं डाल दे रही हूँ मिक्स हर्ब सीजनिंग, नाउ वी विल ऐड सम अजीनोमोटो सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट थोड़ा सा कम डालेंगे, चिली फ्लेक्स, एंड साथ ही में गाइस इसमें मैं ऐड करूँगी ये मेरे पास में सोया सॉस थी और विनेगर यानी वाइट विनेगर और सोया सॉसेस हम ऐड करेंगे इसके अंदर। नाउ इसको एक फाइनल स्टर दे देते हैं एंड इट्स रेडी। यस 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 रेडी नहीं हुई है गाइस, एक लास्ट इंग्रेडिएंट रह गया है, थोड़ा सा पनीर ले लेंगे और पनीर को इसमें क्रश करके डाल देंगे। सो ये आ गया है गाइज मेरा डिनर, मतलब मैं ही अकेले नहीं खाने वाली हूँ, मेरी मम्मी और सिस्टर भी मुझे ज्वाइन करने वाली हैं। तो ये गाइज जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सबसे मतलब फुल फीलिंग होता है, क्योंकि जैसे अगर आपको कुछ भी खाने का मन नहीं है तो आप ये बना के ज़रूर आप इसको खा सकते हो। तो मैं एक बार टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसी बनाई है। ऑब्वियस सी बात है मैं तो पहले भी खाई हुई है, मैं अच्छी ही बनाती हूँ, अच्छी बनाई है। और जैसे बहुत सारे लोग डाइट में भी होते हैं तो अगर डाइटिंग वगैरह भी आप लोग कर रहे हो तो डेफिनेटली आप इसको ट्राई कर सकते हो। एक बार मैं अपना डिनर फिनिश करके फिर करती हूँ। तो फाइनली गाइस मेरा डिनर हो चुका है डन, और आई होप आप लोग को मैंने जो छोटी सी रेसिपी बताई थी ना वो भी पसंद आई होगी। अभी मैं बालकनी में बैठी हुई हूँ इसलिए मैंने फ्लैश ऑन किया हुआ है लाइट का, क्योंकि अंधेरा हो रखा है बहुत ज़्यादा। एंड डिनर मेरा हो गया, अभी थोड़ी देर 5 मिनट बैठी हुई, उसके बाद भी थोड़ी सी वॉक करूँगी मैं। और ऐसा था मेरा आज का दिन, ज़्यादा कुछ मैं ऑफिस में शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि टाइम मुझे नहीं होता, बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो जाता है कभी कभी दिन। और ये जो रेसिपी मैंने गाइस आप लोग के साथ में शेयर की थी ना, बेसिकली अगर कोई वेट लॉस जर्नी पे है, आप वेट लॉस कर रहे हो या फिर आप होता है ना कि आपको वेट लॉस नहीं करना है बट आप एक लिमिटेड डाइट आप लेना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है आप ब्रेकफास्ट में भी यूज़ कर सकते हो, आप डिनर में भी ले सकते हो। यूजुअली मैं इसको टोस्ट के साथ में खाती हूँ, मतलब क्रिस्पी क्रिस्पी से ब्रेड कर लो एंड देन उसके साथ में इसको खाओ, बड़ा डिलीशियस लगता है। या फिर अगर कभी मेरा इसको इस तरीके से सूखा सूखा खाने का मन नहीं होता है तो मैं थोड़ा सा सूपी बना लेती हूँ इसको, जैसे कोई भी हमने इसके अंदर राइस नूडल्स वगैरह ऐड करके हम ले सकते हैं, या राइस के साथ में मैं ले लेती हूँ कभी कभार मन करता है। तो ऐसा था मेरा मतलब जो रेसिपी था वो ऐसा था, मैंने आपके साथ शेयर किया। तो बहुत ही ईजी भी है और जल्दी से बन भी जाती है, जो भी सब्जियां वो डाल लो, जो भी अवेलेबल हो मेरे पास, जो भी अवेलेबल था मैंने डाल दिया, ठीक है। तो इसी के साथ में इस वीडियो को करते हैं एंड और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, हो सकता है कल परसों बनाऊँ या जो भी होगा मैं बनाऊँगी। एंड चलिए बस इतना ही कहना था।